हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल सिविल जो भी जितने भी ब्रांचेज हैं तो सब में एक कॉमन सब्जेक्ट इसका नाम एनर्जी कंजर्वेशन है जो कि पढ़ा जाता है। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 2 यानी कि इसी एक्ट 2001 के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसका आज हम लेक्चर 3 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें कि हमने इसके पहले में वीडियोस में लेक्चर वन और लेक्चर टू में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के चैनल की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और देखिए, लेक्चर 3 को शुरू करने से पहले इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसका PDF और सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाए। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि जो भी ऊर्जा होती है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से हम करते हैं, उसका सिद्धांत क्या चीज़ है, हम एनर्जी मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, उसका सिद्धांत क्या है, तो इस वीडियो में आपको देखना है। और जो है आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे BEE जो एक होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या चीज़ होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट क्या चीज़ है, तो देखिए यहाँ पे जो हम एनर्जी का मैनेजमेंट करते हैं उसका सिद्धांत इसलिए हम करते हैं क्योंकि देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि ऊर्जा का उपयोग उसकी अधिकतम क्षमता तक किया जाना चाहिए। मतलब आज जितनी प्रकार की आप ऊर्जा यूज करते हैं, आपकी अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा की, खासकर अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखिए आप क्या करिए, उसका वेस्ट ना करिए, उसको आप वेस्ट ना करिए, अधिकतम क्षमता तक उसको उस ऊर्जा का आप यूज करिए अपने अच्छे कार्यों में। वेस्ट यहाँ पे कहने मतलब यहाँ पे आप वेस्ट ना करें, अधिकतम क्षमता तक जो है आप ऊर्जा का यूज़ करें। और अगर देखिए, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पे कि सभी प्रकार की ऊर्जा का आवश्यकता के अनुसार संभव न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध होना, तो देखिए जितने भी प्रकार की ऊर्जा हो, अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर और कोई एनर्जी जो भी पेट्रोल से प्राप्त हो रही है, डीजल से प्राप्त हो रही है या फिर कोयले से प्राप्त की जा रही है, तो ये सब जो ऊर्जा हैं इनका जो है कम से कम मूल्य पर जो है ऊर्जा सभी को उपलब्ध हो, जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी कंज्यूमर हैं, उनको कम से कम मूल्य पर जो है वो ऊर्जा उन्हें मिले। तो ये तीसरा दूसरा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है एनर्जी मैनेजमेंट का। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। और चलिए देखते हैं जो तीसरा यहाँ पे है प्रिंसिपल की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना। तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का मतलब ये हुआ कि यदि हम अगर बात करें यहाँ पे कि हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें यहाँ पे, मतलब जल के द्वारा यदि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जल जब टरबाइन पर यहाँ पे अगर हम टरबाइन बना करके आपको दिखाएं, जब जल क्या होता है टरबाइन पर फ्लो होता है यानी कि इस पे आकर के गिरता है, तो क्या होता है कुछ जो जल होते हैं यहाँ पे चले आते हैं, तो उस जो जल वेस्ट यहाँ पे बचा रहता है जल, उसका हम पुनः यूज करके क्या करें, पुनः यूज करें और उससे एनर्जी को प्राप्त करें। तो यही चीज़ है कि हमें ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमें ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना चाहिए। और देखिए जो आपका यहाँ पे इसका लास्ट सिद्धांत है यानी कि हानियों कम करना, तो देखिए जितने प्रकार की लॉसेस होते हैं उसको कम करना चाहिए हमें, ऊर्जा में जो लॉसेस होते हैं उसको हमें कम से कम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो चार चार पॉइंट पॉइंट थे आपके यहाँ पे, तो ये सारे हमारे एनर्जी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब देखिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE क्या होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या चीज़ है, तो देखिए क्या चीज़ होता है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसका लक्ष्य ऊर्जा दक्षताओं की सेवाओं को संस्थागत रूप देना है। तो देखिए ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो क्या है कि भारत सरकार की एक एजेंसी, जिस प्रकार से हर एक चीज़ की एजेंसी बनाई जाती है, तो उसी प्रकार से ऊर्जा के लिए भी एक एजेंसी बनाई गई है ताकि जो हमारी एनर्जी है उसका हम मैनेजमेंट कर पाएँ, उसे अच्छी तरीके से उसका कंजर्वेशन कर पाएँ और अच्छी तरीके से उसका वितरण कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पे एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम BEE है। और देखिए क्या लिखा गया है कि ताकि देश के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। तो देखिए जागरूकता उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल क्या है कि जितनी भी प्रकार की ऊर्जा है, अगर हम बात करें यहाँ पे खासकर इलेक्ट्रिकल पावर की यानी कि विद्युत ऊर्जा की, बिजली की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि आजकल कोयला कोयला हुआ आपका, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब एक टाइम पे समाप्त हो जाएंगे। तो कोयले की बात कर लेते हैं तो 2050 तक क्या हो जाएगा, आपका जो कोयला है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा ना करें कि जिससे जो आपकी जो ऊर्जा कोयले से प्राप्त हो रही है उस ऊर्जा का आप जो है कम से कम दोहन करें। दोहन करने का मतलब ये हुआ कि जो है वेस्ट ना करें ऊर्जा का, अपने अच्छे कार्यों में उस चीज़ को लगाएं। तो इसीलिए एजेंसी बनाई जाती है ताकि चीज़ों का पालन हो और लोग उसका कड़ाई से पालन करें।
और देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि ताकि देशों के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो, इसका गठन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत, तो देखिए जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एसी एक्ट 2001, तो उसी के अंतर्गत जो है मार्च 2002 में किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था मार्च 2002 में किया गया था, और यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। तो जो आपकी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी है जो आपकी है, वो आपकी विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, और जो इसका गठन हुआ था मार्च में हुआ था 2002 में। तो आशा करते हैं आप BEE के बारे में अच्छे से जान लिए होंगे, इसका क्या कार्य है और इसका गठन कब हुआ था और ये किसके अधीन काम करती है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है इसमें कि इसके और जो कार्य हैं क्या है कि इस एजेंसी का कार्य ऐसे कार्यक्रम बनाना है जिनसे भारत में ऊर्जा के संरक्षण और ऊर्जा के उपयोग में दक्षता बढ़ाने में मदद मिले। अब देखिए इस एजेंसी का जो यहाँ पे कार्यक्रम है क्या है कि ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के उपयोग में दक्षता बढ़ाने में क्या मिले, मदद मिले, तो अच्छी बात है ये चीज़ है। और देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है कि भारत सरकार का प्रस्ताव है कि सन 2010 के पश्चात भारत में प्रयुक्त कुछ उपकरणों पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की ऊर्जा दक्षता रेटिंग अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। तो देखिए यहाँ पे आप आगे चल के एक 2002 बिल अमेंडमेंट पढ़ेंगे, तो एक बिल जो है प्रस्तावित हुई थी 2010 में, जो कि इस नियम में यानी कि इसी एक्ट आपका जो 2001 है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है 2010 में। तो वही चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे देखिए आप अगर रेफ्रिजरेटर देखते होंगे, फ्रिज को अपने घर में देखते होंगे, तो उस पर भी देखिए स्टार रेटिंग बनी रहती है, स्टार रेटिंग इस टाइप से बना रहता है, 5 स्टार रेटिंग, 6 स्टार रेटिंग। तो देखिए स्टार रेटिंग वो ये चीज़ बताता है कि आप आपकी जो ये डिवाइस है, जो भी चीज़ है, फ्रिज है या फिर और कुछ है, वो कम से कम एनर्जी को यहाँ पे अब्जॉर्ब करेगी और जो है आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा देगी। तो यहाँ पे वही बताने का मतलब है कि ऊर्जा दक्षता आपकी जो ऊर्जा दक्षता रेटिंग है अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ है। देखिए कुछ पॉइंट हमने लिख रखे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक नंबर में आपके एग्जाम में बन जाएंगे क्वेश्चन। जैसे कि पूछ सकता है कि BEE की स्थापना कब हुई थी, तो 1 मार्च 2002 में हुई थी BEE की स्थापना। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि BEE जो है किस किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो ऊर्जा मंत्रालय जो आपका होता है उसके अंतर्गत जो है BEE कार्य करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एक नंबर बन सकते हैं। मुख्यालय भी पूछ सकता है कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में जो है यहाँ पे मुख्यालय है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आप जो है आपके कंपटीशन लेवल में भी यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आप दोनों तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी से ही सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको आगे कंपटीशन लेवल में जाना है, जो चीज़ को पढ़ना है, तो अभी से ही आप सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पे आगे चीज़ें क्या लिखी गई हैं कि और देखिए जो कार्य इसके हैं क्या हैं कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों को रोकने के लिए अभिहित उपभोक्ताओं, अभिहित उपकरणों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करके वर्तमान संसाधनों और अवसंरचना को मान्यता देने, इनकी पहचान करने तथा इस्तेमाल का कार्य करता है। तो देखिए ये जो आपका ऊर्जा संरक्षण अधिनियम यानी कि BEE आपका है, ये क्या करता है कि जो भी उपभोक्ता होते हैं, जो भी अभिहित उपकरण होते हैं, अन्य जो संगठन होते हैं, उनको एक साथ में समन्वय कर लेता है और क्या करता है कि वर्तमान संसाधन और क्या करता है और अवसंरचना के मान्यता देने, इनकी पहचान करने तथा इस्तेमाल का कार्य करता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपका जो ऊर्जा BEE का कार्य ये सारे हैं। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। और देखिए आपका जो यहाँ पे और चीज़ें इसकी हैं, विनियामक कार्य यानी कि रेगुलेटरी फंक्शन क्या चीज़ इसका है, रेगुलेटरी वर्क क्या चीज़ है। तो देखिए BEE के प्रमुख विनियामक कार्यों में निम्न कार्य शामिल हैं। तो देखिए जो रेगुलेटरी कार्य यहाँ पे है, जो इसके क्या क्या हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि उपकरण के लिए न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन मानकों एवं लेबलिंग डिज़ाइन का विकास करना। तो अभी आप चल के आगे मानक क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, सब सारी चीज़ें आप अच्छे से डिटेल में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको यही समझना है कि ये जो BEE है क्या करता है कि उपकरणों को, जो आपके उपकरण होंगे, डिवाइस होंगे, न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन यानी कम से कम ऊर्जा निष्पादन मानकों एवं लेबलिंग डिज़ाइन का विकास करता है ये चीज़। और देखिए दो सेकंड पॉइंट इसका है कि विशिष्ट ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता का विकास करना। और तीसरा जो पॉइंट है, अभिहित उपभोक्ताओं पर केंद्रित गतिविधियाँ। तो ये सारे इसके जो है कार्य यहाँ पे हैं। और देखिए विशिष्ट आपका जो फोर पॉइंट है, विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंडों का विकास करना। और फिफ्थ है, ऊर्जा प्रबंधकों और ऊर्जा संपरीक्षकों का प्रमाणन। देखिए जो भी आपके ऊर्जा प्रबंधक हैं, जो ईडेटर हैं यानी कि जो लेखा जोखा करते हैं, उनका यहाँ पे प्रमाणन भी यही करता है।
तो आशा करते हैं जो आप समझ गए होंगे, इसके कार्यों को भी आपने समझ लिया होगा। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। देखिए हम यहाँ पे आपके आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ही बता रहे हैं, बाकी आपके सिलेबस से ज़्यादा ही चीज़ें आपको बता रहे हैं ताकि आपका जो नॉलेज है वो डेवलप अच्छे से हो पाए। तो देखिए आपका ऊर्जा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार क्या चीज़ होता है, तो देखिए क्या है ये चीज़। ये पुरस्कार भारत सरकार के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उद्योगों, भवनों, परिवहन और अन्य और संस्थाओं के साथ साथ ऊर्जा कुशल निर्माताओं को उनके द्वारा ऊर्जा संरक्षण में नवाचार और अन्य उपलब्धियों को पहचान या फिर मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए जो भी यहाँ पे हम बात करें, जो भी गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उद्योगों उद्योग होते हैं, भवन होते हैं, परिवहन होते हैं, संस्था जो होती है, संस्था को जो चलाते हैं, या फिर जो ऊर्जा कुशल निर्माता होते हैं, तो जो भी लोग होते हैं उनको जो होता है कि ऊर्जा संरक्षण के अधीन क्या होता है एक पुरस्कार दिया जाता है। मतलब वो किस प्रकार से ऊर्जा एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों तक पहुँचा रहे हैं और जो है ऊर्जा का यहाँ पर बचत कर रहे हैं, तो ये सब देखते हुए यहाँ पर जो है उन्हें पुरस्कारित किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। और देखिए क्या चीज़ है, ये पुरस्कार कब दिया जाता है, तो आपको बता दें कि यह जो पुरस्कार होता है, एक अवार्ड जो होता है, पहली बार 14 दिसंबर 1991 को दिया गया था। मतलब पहली बार जो दिया गया था 14 दिसंबर 1991, तो यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार पुरस्कार जो दिया गया था कितनी तारीख को दिया गया था, तो आपको बता सकते हैं कि 14 दिसंबर 1991 को। और देखिए अब यही चीज़ को देखते हुए कि जिससे 14 दिसंबर पूरे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब इस दिन पुरस्कार दिया गया था और इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाने लगा, यानी कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी मनाया जाने लगा। तो आशा करते हैं चीज़ आप समझ गए होंगे, और यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ आप समझ लें अच्छे से। और देखिए आपका जो यहाँ पे अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है कि ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण के लिए और ऊर्जा एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। तो योजनाएं क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो देखिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बीईई के माध्यम से, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से कई नीतियों और योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मतलब जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी है उसके माध्यम से जो है कई योजनाओं का यहाँ पे संचालन किया जा रहा है, जैसे कि प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना का, मानक और लेबलिंग कार्यक्रम का, ऊर्जा संरक्षण भवन सहित और मांग पक्ष प्रबंधन का। तो ये सारे जो यहाँ पे इसके इसके BEE के अकॉर्डिंग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें योजनाएं बनाई जा रही हैं जो कि आपको जानना है। तो देखिए चलिए देखते हैं। देखिए पहला जो आपका यहाँ पे है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना, यानी कि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, या फिर इसको हम PAT स्कीम भी कहते हैं, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, या फिर इसको PAT शॉर्टकट में बोलते हैं। तो क्या होती है और हिंदी में अगर बात करें तो प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना। तो देखिए PAT क्या चीज़ है, तो PAT चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। तो देखिए PAT ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है। अब देखिए क्या है कि जो भी आप ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं अपने व्यापारिक कार्यों में, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे PAT के अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि आगे देखिए क्या है कि इसके तहत ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मतलब ये जो PAT है इसके तहत जो आप ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से की जाती है PAT के माध्यम से। और देखिए क्या चीज़ आगे हैं कि यह संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। तो देखिए राष्ट्रीय मिशन का भी एक क्या है हिस्सा है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। मतलब 8 मिशन जो बनाए गए उसमें से ये एक मिशन ये भी शामिल किया गया है इसको। तो आशा करते हैं इस चीज़ आप समझ गए होंगे कि PAT क्या चीज़ है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, यानी कि इसको हम ECBC बोलते हैं शॉर्टकट में, क्या चीज़ होता है। तो देखिए क्या होता है कि इससे नए व्यावसायिक भवनों के लिए वर्ष 2007 में विकसित किया गया था। मतलब जो भी नए व्यावसायिक भवन बनते हैं आपके जो
उनके लिए वर्ष 2007 में क्या गया था, इसका विकास किया गया था। अब देखिए क्या चीज़ है कि ECBC 100 किलोवाट के संयोजित लोड या फिर 120 KVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर और उससे अधिक की अनुबाधित मांग वाले नए वाणिज्य भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है। मतलब जो भी आप भवन बना रहे हैं, व्यावसायिक भवन बना रहे हैं, कमर्शियल भवन अगर बना रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या करता है, जो भी आप उसमें बिजली यूज करेंगे, जो भी सारी चीज़ें आप यूज करेंगे ऊर्जा का, वो क्या करता है कि न्यूनतम ऊर्जा, यहाँ पे देखिए लिखा गया कि न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है कि कम से कम कितनी ऊर्जा है जो आपका जो भवन बन रहा है उसमें कम से कम कितनी ऊर्जा का आप यूज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे ECBC का कार होता है। तो आशा करते हैं आप ECBC भी समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। क्या है कि BEE ने इमारतों के लिए एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम भी विकसित किया है। देखिए हमने बताया कि 2010 में क्या हुआ, एक संशोधन हुआ 2001 वाले नियम में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेटिंग, स्टार रेटिंग भी भवन के लिए भी अब यहाँ पे बनाई जा रही है। और क्या हो रहा है कि जो एक इमारत के वास्तविक प्रदर्शन पर आधारित, मतलब जो भी कोई आप इमारत बना रहे हैं तो उसके वास्तविक प्रदर्शन पर क्या है आधारित ये चीज़। तो आशा करते हैं BEE क्या चीज़ होती है और यहाँ पे BEE से रिलेटेड जो आपका ECBC कोड कोड था क्या चीज़ था, आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए देखते हैं आगे, तो आगे कुछ है नहीं वैसे, तो देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप यहीं तक अभी तक, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।